ये आकाशवाणी है। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। जिंदगी जितनी खूबसूरत है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। चुनौतियों के बीच आगे बढ़ना आसान तो नहीं होता, लेकिन मेहनत और बुलंद हौसले के सहारे रास्ते निकल ही आते हैं। कोविड काल में भविष्य की रूपरेखा गड़बड़ा सी गई है, उसकी चिंता करेंगे तो आपका वर्तमान भी प्रभावित होगा। परेशान रहने से कई दिक्कतों के साथ आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में परेशानियों के बीच खुश रहने का रास्ता खोजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कोविड से संघर्ष जारी रखिए। कोविड 19 से आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। नमस्ते मैम। इससे पहले कि डॉक्टर रूपाली के साथ हम चर्चा शुरू करें, हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। डॉक्टर रूपाली, भारत में पिछले काफी दिनों से कोरोना के बहुत कम मामले सामने आ रहे हैं। एक समय जो आंकड़ा लगभग 1 लाख प्रतिदिन संक्रमित मामलों का चला गया था, अब वो आज 30,000 से भी कम है। एक तो ये अच्छी खबर है, दूसरी तरफ दिन प्रतिदिन वैक्सीन से जुड़ी अच्छी अपडेट्स आ रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि भारत ने कोरोना का जो पीक है वो देख लिया और अब जो है वैक्सीन के साथ साथ ये जो संक्रमण है, ये जो महामारी है, वो अपनी डाउनफॉल की तरफ है? हाँ जी, जैसा कि आपने ऑलरेडी कहा है कि क्या हमने वर्स्ट ऑलरेडी पास कर लिया है, बट मैं आपसे कहना चाहूंगी कि ये कहना अभी भी मुश्किल है कि क्या हमने वर्स्ट अपना ऑलरेडी पार कर लिया है, क्योंकि अभी भी बहुत से पार्ट ऐसे हैं हमारे देश के जहां पे इस इन्फेक्शन का पीक अभी नहीं आया है। तो ये कहना कि पूरे कंट्री में हम इस पीक को पार कर चुके हैं, ये थोड़ा मुश्किल है, बट फिर भी हम इसको एक अच्छे तौर पे देखेंगे कि जो मेजर सिटीज हैं, जो मेजर हमारे जो स्टेट्स हैं, वहां पे ऑलमोस्ट आप 3 पीक्स आप ऑलरेडी पार कर चुके हो, मोस्टली लोग ऑलरेडी इन्फेक्शन एक्वायर कर चुके हैं, तो काफी हद तक लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है। और इसके बाद अब वैक्सीन की तरफ से भी अगर हम देखें तो हमें काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूके में ऑलरेडी अप्रूवल हो चुका है वैक्सीन, एक बड़े पैमाने पे वहां ऑलरेडी वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है जी। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी गुड न्यूज है और हम होपफुल हैं कि अगर हम ऐसे ही सोशल वैक्सीन को बरकरार रखेंगे, कुछ जो हमारी जो सावधानियां हैं वो कुछ समय के लिए और बरतते रहेंगे, ये कम से कम सर्दी के समय तक, उसके बाद हमें एक आशा की किरण जरूर दिखाई देगी। जी बिल्कुल, उम्मीद पर दुनिया कायम है और जब से नोवेल कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तब से ही वैक्सीन का इंतजार था और अब इंतजार की घड़ियां बहुत कम रह गई हैं। डॉक्टर रूपाली, जो लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं और उसके बाद ठीक हो रहे हैं, उसमें उन लोगों में फटीग सिंड्रोम भी देखने को मिल रहा है और काफी जद्दोजहद लोगों को करनी पड़ रही है इससे बाहर आने के लिए। आप क्या सलाह देंगे हमारे श्रोताओं को कि इससे कैसे संघर्ष करें? जी बिल्कुल, यह जैसा कि आपने कहा, ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम एक जो कि कोविड के बाद देखा जा रहा है, इसको कि लॉन्ग कोविड भी बोल रहे हैं कुछ लोगों में, 2 से 3 महीने तक भी इस बीमारी को झेलने के बाद भी मतलब आपका शरीर उससे पूरी तरह से लड़ नहीं पा रहा है, उसके बाद भी कुछ न कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में परसिस्ट कर रहे हैं और उसको हम लॉन्ग कोविड सिंड्रोम बोलते हैं जी। तो देखिए, इसके अगर हम मैं कहूँ कि इसके बचाव के लिए कुछ हम कर सकते हैं तो ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगी इस इन्फेक्शन को ये कहना मुश्किल है। बट जो भी हम जो नॉर्मल तौर पे जो भी हम आपको प्रिकॉशंस बताते हैं या जो भी चीजें बताते हैं, जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, नॉर्मल एक्सरसाइजेस करना, एक हेल्दी रूटीन को फॉलो करना, हेल्दी डाइट को लेना, मेडिटेशन करना, योगा करना और मल्टी विटामिन लेना, जैसे कि जिंक ले सकते हैं आप, कैल्शियम ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं, सर्दियों में धूप जरूर सेकें, धूप सेकना एक बहुत ही
अच्छा हेल्दी चीज है हमारे बॉडी के लिए और उससे विटामिन डी बनता है जो कि इस तरह की जो फटीग और थकान वाली जो चीजें हैं उनको काफी हद तक कम करने में मदद करता है। तो कृपया करके आप आजकल धूप का सेवन जरूर करें और बाकी अपना नॉर्मल हेल्दी रूटीन फॉलो करें। उसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको दवाई लेने की या कोई स्पेसिफिक चीज करने की जरूरत नहीं है, बस एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करें ताकि आप इस इन्फेक्शन को ज्यादा बेटर फाइट कर सकें। जी डॉक्टर रूपाली, दुनिया के कुछ देशों में टीकाकरण शुरू हो गया है कोविड के खिलाफ और ब्रिटेन भी उन चुनिंदा देशों में शामिल है। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि अभी उनका जो फोकस है वो बच्चों को टीकाकरण में शामिल करने का नहीं है। अब इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं और कई सारे जो एजेंसीज हैं वो इसके कई कारण बता रही हैं कि क्यों बच्चों को अभी इम्यूनाइजेशन से दूर रखा जा रहा है। बतौर वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ आप क्या कारण देखती हैं कि बच्चों को अभी शामिल करने की योजनाएं सरकार नहीं बना रही हैं? हाँ जी, देखिए आपने बहुत ही अच्छा और जेन्युइन एक सवाल पूछा है जो इस समय काफी लोगों के मन में होगा। देखिए इसके दो कारण हैं जो सबसे मेनली जो देखे जा रहे हैं। सबसे पहली बात है जो फाइजर द्वारा जो ये वैक्सीन जो दी जा रही है यूके में, इसमें जो शोध किया गया है वो केवल 12 साल और उससे ऊपर के उम्र के लोगों में ही किया गया है। तो 12 साल या उससे कम उम्र के बच्चों पे इस वैक्सीन का शोध नहीं किया गया है। तो सबसे पहला कारण तो ये है कि ये वैक्सीन अभी भी 12 साल और उससे कम बच्चों में टेस्ट नहीं की गई है। इसके अलावा बाकी जैसे कुछ और भी वैक्सीन है जो कि 18 साल या केवल उससे ऊपर के लोगों में टेस्ट की गई है। तो बहुत कम वैक्सीन अभी ऐसी है कि जो इनके जो फेज टू होंगे जो नेक्स्ट फेजेस में हो सकता है ये छोटे बच्चों में भी इन वैक्सीन का टेस्ट करें, बट अभी तक जो शोध किया गया है वो 12 साल से कम के बच्चों पे नहीं किया गया है। एक तो ये कारण है और दूसरा जैसा कि हमने देखा ही है इस पैंडेमिक के दौरान कि बच्चों में इसकी सीवियरिटी और जो संक्रमण है वो थोड़ा कम है। जो अगर हम हाई रिस्क ग्रुप की बात करें तो वो ज्यादातर एल्डरली लोग यानी कि 60 साल और उससे वरिष्ठ लोग या फिर जिनको ऑलरेडी कोई अंडरलाइन बीमारी है, तो ये लोग ज्यादा हाई रिस्क ग्रुप में माने जाते हैं एंड जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं। तो अभी जो शोध हुआ है उसके हिसाब से एल्डरली लोगों को, अडल्ट्स को जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको प्रायोरिटी पे ये वैक्सीन देने के लिए अभी ये शोध इसी हिसाब से किया गया है। और इसी हिसाब से मुझे लगता है जो भी देश या जो भी सरकार वैक्सीनेशन रोल आउट करेंगी वो यही चीजें मद्देनजर रख के करेंगी कि पहले हम हाई रिस्क ग्रुप्स को और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन दें। जी, वैक्सीन से जुड़ा एक और सवाल है कि क्या ज्यादातर वैक्सीन लगने से एलर्जी की समस्या होती है और ये कितनी गंभीर हो सकती है? हाँ जी, देखिए ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है जो आपने पूछा है। देखिए वैक्सीन से एलर्जी होना एक नॉर्मल बात है क्योंकि वैक्सीन से बहुत बार जिस तरह के जो पदार्थ जो यूज होते हैं उसको बनाने में उससे आप एलर्जिक हो सकते हैं। बहुत से लोगों में ये माइल्ड एलर्जी होती है बट कुछ लोगों में ये काफी सीवियर फॉर्म एनाफाइलैक्सिस के रूप में भी प्रेजेंट कर सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी एलर्जी की टेंडेंसी है, खासतौर पर जैसे कि अंडे से एलर्जी है या नॉन वेज से एलर्जी है, तो वो लोग बहुत ही ज्यादा सावधानी बरतें। वो आप वो वैक्सीन लेने से पहले डॉक्टर को हमेशा बताएं कि उनको एलर्जी की हिस्ट्री रही है, क्योंकि अगर ऐसा है, अगर किसी ऐसे मरीज को भी अगर हमें कभी वैक्सीन देनी पड़ती है जिसमें एलर्जी की हिस्ट्री रही है तो भी हम उस प्रिकॉशन और दवाई के कवर में दे सकते हैं। समझ रहे हैं आप? सो इसके ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता हो आपको कभी इस तरह की किसी चीज से कोई एलर्जी पास्ट में रही है कि नहीं रही है। तो वैक्सीन से एलर्जी होना एक कॉमन बात है और ये हमेशा ही देखा जाता है। जी डॉक्टर रूपाली, ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के लिए जो जांच होती है, आरटीपीसीआर हमने सुना है, रैपिड एंटीजन सुना है, ट्रूनेट सुना है, हाँ जी, गैस ब्लड टेस्ट क्या होता है? हाँ जी, हाँ जी, देखिए ये जो आपने बात की है रैपिड एंटीजन, आरटीपीसीआर, ट्रूनेट, ये जो टेस्ट है ये टेस्ट किए जाते हैं वायरस को हमारे शरीर में जांचने के लिए कि वायरस हमारे शरीर के अंदर है या नहीं। ये सब टेस्ट जो आपने गिनाए हैं ये उस चीज के लिए है। बट आप दूसरी तरफ जो एबीजी की जो बात कर रहे हैं, आर्टीरियल ब्लड गैसेस, ये जो टेस्ट है इसमें ये किया जाता है कि हम ज्यादातर जो हाथ की नस है रेडियल आर्टरी उससे ब्लड लेते हैं और उस ब्लड सैंपल के टेस्ट के द्वारा
हम बहुत सारे पैमानों को देखते हैं, जिसमें कि आपका आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन, PCO2, PaO2। दरअसल जब हम पल्स ऑक्सीमीटर से चेक करते हैं तो केवल आप पेरिफेरल सैचुरेशन चेक करते हैं, जिसमें कि जैसा हम बताते हैं कि अगर 95 से ऊपर है तो ठीक है, 95 से कम है तो आपको एक गंभीर बीमारी हो सकती है, तो आपको अस्पताल की तरफ चलना होगा अगर आपका सैचुरेशन 95 से कम है। बट इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हमें जब सीवियर या मॉडरेट कोविड के मरीजों को जो हम ट्रीट करते हैं हमें देखनी होती है, जैसे कि आर्टीरियल ब्लड गैसेस में हम देखते हैं पीएच, जो ब्लड का पीएच होता है, एसिड बेस बैलेंस, बहुत सी चीजें होती है, आर्टीरियल एल्वियोलर ऑक्सीजन ग्रेडियंट होता है, वो देखने की जरूरत होती है। उससे पता चलता है कि जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है वो किस लेवल पे हो रही है, लंग्स में प्रॉब्लम ज्यादा है कि लंग के बाहर प्रॉब्लम ज्यादा है, तो वो एल्वियोलर आर्टीरियल ग्रेडियंट को भी हमें देखना होता है, जिसके लिए हमें एबीजी का टेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। लेमैन को ये चीजें समझाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये डॉक्टरी भाषा में ही समझाया जा सकता है, तो मतलब समझाना थोड़ा मुश्किल है। बाकी न केवल ऑक्सीजनेशन, इसके अलावा और भी बहुत सी चीजें जैसे कि हीमोग्लोबिन, इलेक्ट्रोलाइट, ये सब चीजें भी हम एबीजी के टेस्ट द्वारा देख सकते हैं। तो आप एक ही सैंपल में काफी सारे टेस्ट कर सकते हैं और उससे आपके पेशेंट का एक ओवरऑल आपको काफी अंदाजा हो जाता है, खासतौर पर जो सीवियर कोविड और मॉडरेट कोविड के पेशेंट हैं, जो कि आईसीयू में हैं या वेंटिलेटर्स पे हैं या हाई फ्लो ऑक्सीजन पे हैं, तो एबीजी उनमें बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट माना जाता है। तो वो बेसिकली डॉक्टरी सलाह के लिए इम्पॉर्टेंट है। आम जनता को एबीजी के बारे में जानकर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई फायदा प्राप्त होगा, वो डॉक्टरी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। जी बिल्कुल, हमारे बहुत सारे कॉलर ऐसे हैं जो इस कार्यक्रम से काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं और समय समय पर अपना सवाल करते रहते हैं और अपनी जिज्ञासाओं को हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञों तक पहुंचाते हैं और फिर उनसे जवाब लेते हैं। महेश शर्मा बड़ौत से एक ऐसे ही कॉलर हैं जिनका साथ इस कार्यक्रम में काफी पुराना है। महेश जी स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। मैं मालूम करना चाह रहा हूँ जी, सुना है कि वैक्सीन तो तैयार हो चुकी है और कुछ आदमियों पर लग भी चुकी है, पर जो है उसमें ये बताते हैं कि भाई उनको रिएक्शन वगैरह भी कर रही है, उसका क्या कारण है जी? ये वही बात और जो है हम अपनी कैसे सावधानी रखते हैं? ये वही बात पूछ रहे हैं डॉक्टर रूपाली की, जो दुनिया भर में टीकाकरण हो रहा है उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं, तो जो आम जनता है, जो श्रोता है, उनके जहन में ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर वैक्सीन के भी साइड इफेक्ट हैं तो फिर कोरोना महामारी कैसे समाप्त होगी? जी बिल्कुल, ये बहुत ही जेन्युइन सवाल है किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए कि क्या ये वैक्सीन हमारे लिए हानिकारक हो सकती है कि नहीं। देखिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि किस व्यक्ति में क्या रिएक्शन होगा या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। साइड इफेक्ट जो देखे जाते हैं बहुत कम व्यक्तियों में, बहुत जैसे अब कुछ समय पहले एक कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे जिसमें देखा गया था कि यूके वाली वैक्सीन देने के बाद कुछ लोगों को बेल्स पाल्सी यानी कि जो मुंह का टेढ़ापन देखा गया था, बट अभी इस तरह के केवल 4 ही केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उस पर भी अभी अध्ययन हो रहा है कि क्या केवल यही कारण था, वैक्सीन ही एकमात्र कारण था जिस वजह से उन लोगों में ये चीजें हुई, या कोई और कारण था। देखिए बेल्स पाल्सी होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई और वायरल इलनेस, कुछ और बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो अभी केवल एक साइड इफेक्ट रिपोर्ट होना मतलब ये नहीं होता कि ये वैक्सीन की वजह से ही हुआ है। उसके बाद उस पर और आप आगे शोध करते हैं कि क्या सच में वैक्सीन की ही वजह से हुआ है या वो कोई और कारण की वजह से हुआ है, तो इसलिए हमें इस तरह का जब भी हम कुछ पढ़ते हैं कि ये साइड इफेक्ट है या वो साइड इफेक्ट है, हमें उस चीज को समझना होगा कि वो बहुत रेयर चीजें हैं जो कि आप किसी भी दवाई या किसी भी आप वैक्सीन के साथ आप देख सकते हैं। और उसके अलावा जो एलर्जी की बात है वो भी हमने ऑलरेडी डिस्कस की है कि अगर आपको ऑलरेडी हिस्ट्री है किसी भी तरह की एलर्जी की तो आपको बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आपको अंडे से एलर्जी है, आपको दवाई से एलर्जी है, आपको नॉनवेज से एलर्जी है, तो आपको एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत है और अपने डॉक्टर को ये बताने की जरूरत है जब भी आप इस तरह के वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी जुड़ चुकी हैं। रिंकी जी स्वागत है आपका। जी जी आनंद सर, स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद सर नमस्कार। नमस्ते।
और डॉक्टर मेंगुल मेरा नमस्कार। हाँ जी नमस्ते। जी सर मेरा क्वेश्चन है, वैसे वैक्सीन के अभी तो बहुत सारे कॉलर के मतलब सवाल भी आए और आपने भी बहुत सारे मतलब बातें की और मैम ने बहुत अच्छे तरीके से, तो सर मेरा क्वेश्चन वैक्सीन के ही, क्या सर इंडियन जो वैक्सीन यानी स्वदेशी वैक्सीन है वो कितना हमारे लिए कारगर साबित, इसके बताए प्लीज। थैंक यू। जो भारत में वैक्सीन तैयार हो रही है वो कितनी कारगर साबित हो सकती है? हाँ जी देखिए, भारत में जो वैक्सीन अभी तैयार हो रही है वो भी उतने ही शोध के द्वारा बनाई गई है, जिसमें की बाहर वाले जो कंट्रीज में जो वैक्सीन दी जा रही है वो जितने शोध के बाद बनाई गई है। तो मेरा मानना तो अभी भी ये है कि शायद जो इंडिया में भी जो वैक्सीन जो बन रही है वो भी उतनी ही इफेक्टिव होंगी जितने की बाहर के देशों की जो वैक्सीन है। वैसे भी अगर देखा जाए तो पुराने समय से भी हमारा देश सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वैक्सीन का। तो पहले कंपनी बाहर की होती थी, बस प्रोड्यूस हम करते थे, इस बार हम प्रोड्यूस भी करेंगे और नाम भी हमारा अपना होगा। तो उस चीज को लेके आप लोग परेशान ना हो कि अगर इंडियन वैक्सीन होगी तो शायद उसमें कम इफेक्टिवनेस होगी और अगर बाहर की होगी तो शायद उसमें ज्यादा इफेक्टिवनेस होगी, ऐसा नहीं है। सरकार पे हमें भरोसा रखना चाहिए, अगर कोई भी वैक्सीन अप्रूव होती है तो वो पूरे शोध के बाद ही अप्रूव होगी। जी तो आप इस चीज से परेशान ना हो कि शायद इंडियन वैक्सीन होगी तो कुछ कम इफेक्टिव होगी। और देखिए 100% कोई वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होती है। आज तक जो हम फ्लू की वैक्सीन जो हम इतने सालों से लगवाते आ रहे हैं उसका भी अगर हम इफेक्टिवनेस देखें तो 30-70% के बीच में कुल देखा जाता है। जी। तो आप समझ सकते हैं कि इतने सालों से जो वैक्सीन हम बना रहे हैं आज तक उसमें भी हमें केवल मुश्किल से देखा जाए तो 50% लगभग, अगर आप मान के चले 30-70% है, लगभग 50% में ही हमें सफलता मिलती है। तो अभी भी 50-50 चांस ऑलरेडी अप्रूव वैक्सीन के लिए भी होता है। तो ये अभी नॉवल डिजीज है, अभी हम लर्निंग कर नहीं है, तो हमें थोड़ा समय देना होगा। जी बिल्कुल। मथुरा से पुष्पेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं जानना चाहता हूँ जो वैक्सीन आ रही है उसका स्टोर करने में बता रहे हैं खासी दिक्कतें आएंगी और जो सुदूर गांवों तक ये पहुंच पाएगी नहीं पहुंच पाएगी। डॉक्टर रूपाली, जब से वैक्सीन के आने की खबर सुनाई देने लगी है और तमाम मीडिया संस्थानों से ये खबर अलग अलग तरीकों से लोगों तक पहुंच रही है तो उनके मन में भी कई सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि -70 डिग्री पर वैक्सीन को स्टोर करना होगा, फिर कुछ वैक्सीन के बारे में कहा जा रहा है वो -20 डिग्री पर भी स्टोर की जा सकती हैं। इसी से जुड़ा इनका सवाल है कि स्टोरेज की क्या व्यवस्था है और गांव तक क्या इसका पहुंचना संभव है? हाँ जी देखिए, ये भी बहुत ही एक जेन्युइन सवाल है जो आजकल सबके मन में है। क्योंकि हमें समझना होगा कि आज के जो ऑलरेडी भी जो वैक्सीन जो लगाई जाती है, जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स जो होते हैं, उसमें कोल्ड चेन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट होता है। तो ऑलरेडी हम इस चीज को समझते हैं, जो हेल्थ सिस्टम है वो इस चीज से वाकिफ है और इस चीज को समझता है कि कोल्ड चेन मेंटेन करना किसी भी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस को मेंटेन करने के लिए कितना जरूरी है। तो आप इस चीज के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई थिंक ये हमारे प्रशासन और हमारी गवर्नमेंट और हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ये उनके सोचने के लिए है कि ये कोल्ड चेन कैसे मेंटेन होगी। तो आप इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहें। देखिए मुश्किलें होंगी, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत आसान होगा। आप -70 डिग्री पे आप कहीं पे भी किसी भी टेरिटरी में आप वैक्सीन पहुंचा पाएंगे, मुश्किलें होंगी, बट हमें समय देना होगा और अपने सिस्टम पे विश्वास करना होगा। तो थोड़ा समय अभी और लगेगा, बट आप विश्वास रखिए, होपफुली सब ठीक होगा। जी बिल्कुल। इलाहाबाद से अलीम यादव जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं अनिल यादव प्रयागराज उत्तर प्रदेश से सर बोल रहा हूँ। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं एक सिक्योरिटी गार्ड भी हूँ और दिन भर थर्मामीटर और सैनिटाइजर कराता हूँ। जी। और जो 34-35 तापमान बताता है थर्मामीटर हमारा, क्या उससे भी कोरोना किसी के पास हो सकता है? यदि 35-36 के अंदर है उसका तापमान तो जय हिंद जय भारत। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये कहना कि 34-35 पे होगा या नहीं होगा ये मुश्किल है,
बट लेकिन अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर हैं या उससे कम है तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ये होगा, क्योंकि अगर आपको ये इन्फेक्शन है तो आपका तापमान बढ़ेगा और वो 37 से ऊपर होगा, ना कि कम होगा. तो बहुत कम चांसेस है कि अगर आपका तापमान कम है तो आपको ये इन्फेक्शन होगा. आप स्क्रीनिंग के तौर पर तो आप यही कर सकते हैं. जी बिल्कुल. और जैसा कि अनिल जी बता रहे थे कि ये एक सुरक्षा गार्ड की भूमिका में है, और जब से कोरोना की शुरुआत हुई तब से इनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं और इन्हें खुद को सुरक्षित रखने के लिए भी बहुत एहतियात की जरूरत है. और जिस मुस्तैदी से ये काम कर रहे हैं ये सब लोग किसी कोरोना फ्रंटलाइनर से कम नहीं हैं. दिल्ली के रोहिणी से सुरेंद्र रावत जी जुड़ चुके हैं. सुरेंद्र जी स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए. नमस्कार आनंद सर. नमस्ते. नमस्कार डॉक्टर साहिबा. हाँ जी नमस्ते. हाँ डॉक्टर साहिबा, क्या पार्क में जाकर योगासन किया जा सकता है बिना मास्क पहने? क्योंकि वहाँ ग्रुप में योगासन होता है, समूह में योगासन होता है, तो बिना मास्क पहने योगासन किया जा सकता है आजकल के दौर में कि नहीं? डॉक्टर रूपाली, ये बहुत ही व्यवहारिक सवाल है. ये जानना चाहते हैं कि अब जब सर्दियों में गुनगुनी धूप निकल रही है, ऐसे में पार्क में यानी खुले में जहां लोगों के आने की संभावना भी होती है, क्या बिना मास्क के योग और प्राणायाम करना सुरक्षित है? जी देखिए, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क पहनना बहुत ही जरूरी है. और जैसा कि आप जानना चाहते हैं कि पार्क में जाके, अगर पार्क में एक आइसोलेटेड कॉर्नर में बैठ के बाकी लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करके आप मास्क हटा के थोड़ा योगा करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं. बट अगर आप एक ग्रुप में योगा करते हैं तब मैं नहीं कहूंगी कि आप मास्क उतार के करें. अब अगर आप एक ग्रुप में योगा करते हैं तो एक तो आप सोशल डिस्टेंस को जरूर मेंटेन करें और मास्क को लगा के ही अगर आप व्यायाम कर सकते हैं तो करें. क्योंकि अगर आप ग्रुप में है, खुला इवन अगर पार्क में है, तब भी अगर आप कुछ लोग मात्रा अगर ज्यादा है लोगों की तो संक्रमण होने के चांसेस हो सकते हैं. तो बेटर रहेगा कि अगर आप या तो अकेले में आइसोलेटेड जगह पे पार्क में अगर योगा करते हैं तो आप मास्क हटा के बिल्कुल कर सकते हैं. बट अगर किसी ग्रुप में करते हैं तो डिस्टेंस मेंटेन करें और कोशिश करें कि मास्क लगा के ही व्यायाम को किया जाए. जी बिल्कुल. तब के इलाहाबाद और आज के प्रयागराज से राजेश पांडे जी जुड़ चुके हैं. राजेश जी स्वागत है आपका. नमस्कार डॉक्टर साहब. नमस्ते. ये डॉक्टर साहब जो को ये वैक्सीन आ जाएगा, कब तक वैक्सीन आ जाएगा? और वैक्सीन जब लग जाएगा तभी बीमारी समाप्त हो जाएगी पूर्ण रूप से? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल है कि क्या वैक्सीन के आ जाने से महामारी समाप्त हो जाएगी? हाँ जी देखिए, हमें ये चीज समझनी होगी कि वैक्सीन आने से क्या फायदा क्या होगा. शुरू से हम बताते आ रहे हैं कि इस तरह की बीमारी में जब 70-80% या 60-70-80% लोग जब इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाते हैं तो उसके बाद एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है. तो अगर एक हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ जो है वायरस का कम हो जाता है. तो या तो ये नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा आप इससे ग्रसित हो या आप वैक्सीन के द्वारा इससे ग्रसित हो जाए. तो ये दोनों ही मात्रा में तभी पॉसिबल है कि अगर हम 60-70-80% लगभग 70-80% तक लोग जब इस वायरस से ग्रसित हो जाएंगे या तो इन्फेक्शन के द्वारा या वैक्सीन के द्वारा, तो जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है वायरस का वो ब्रेक हो जाएगा. आप समझ रहे, बीच में जब इम्यून लोग आ जाएंगे तो वो ट्रांसमिशन बीच में रुक जाएगा. अगर हम ससेप्टेबल लोग आते रहेंगे तो ट्रांसमिशन होता रहेगा. तो आप समझ रहे हैं, तो वैक्सीन देने से ये फायदा होगा. वैक्सीन कब तक आ पाएगी? अभी 1-2 महीने की देरी तो डेफिनेटली है, तो हमें अभी थोड़ा सा समय और 1-2 महीना कम से कम और थोड़ा पेशेंस, थोड़ा सावधानी और बरतनी है. उसके बाद होपफुली वैक्सीन आ जाएंगी और ये जैसा कि मैंने बताया एक बार 60-70-80% तक लोग इससे अफेक्ट हो चुके होंगे वैक्सीन द्वारा या इन्फेक्शन द्वारा, तो फिर ये ट्रांसमिशन जो है बंद होने की उम्मीद है. जी बिल्कुल. कोलकाता से वीरेंद्र राय जी जुड़ गए हैं. वीरेंद्र जी स्वागत है आपका. नमस्कार आनंद साहब. नमस्ते. और डॉक्टर मैम को भी नमस्कार. नमस्ते. हम बोल रहे हैं आनंद साहब कि लोग वैक्सीन के बारे में, उसके स्टोरेज के बारे में अपना दिमाग बेवजह लगाते हैं. वो तो सरकार की काम है, सरकार लोगों को ध्यान रख रही है. हमको तो जो मास्क हैंड हाइजीन का व्यवहार करना है
उसके बारे में हम लोग तो सोचते नहीं है। डॉक्टर रूपाली, वीरेंद्र जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि जो वैक्सीन का प्रबंधन है, रखरखाव है, वो सरकार की जिम्मेदारी है। हमारी जो जिम्मेदारी है हम उसे ठीक से निभाएं, वही आज के समय बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल, एंड सोशल वैक्सीन पहले है, बाकी वैक्सीन उसके बाद में है। जी, और जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, उन्होंने एक जन आंदोलन की शुरुआत की है और हम सबको उससे जुड़ने की जरूरत है। उसके लिए बस करना यह है कि आप जहां भी जाइए मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और साथ ही साथ अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहिए। जैसा कि डॉक्टर रूपाली बता रही हैं कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक यही इस समय सोशल वैक्सीन है। कार्यक्रम में अगले कॉलर जुड़ चुके हैं, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से रामशंकर जी हैं। स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वास्तविकता में कोरोना जो है उसको हम हराने के लिए जो दारू के ठेके खुले हुए हैं, क्या ये है एक प्लस माइनस पॉइंट नहीं है कि जब हम दारू बेचेंगे, दारू पिएगा, फिर कोरोना माइनस कैसे? एक बड़ा सवाल है और इनका कहीं ना कहीं दो प्रश्न हैं डॉक्टर रूपाली। एक तो धूम्रपान के साइड इफेक्ट्स को भी ये उजागर कर रहे हैं और दूसरा कि उस दुकान पर जिस तरीके से लोग भीड़ लगाते हैं और सुरक्षित दूरी के नियम का उल्लंघन करते हैं, ये दोनों ही कारण हैं जो संक्रमण बढ़ सकता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये दोनों ही कारण है कि इस तरह की दुकान के बाहर जो भीड़ होती है उसमें ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाता है, ना मास्क पहने जाते हैं, ना हाथों की हाइजीन का ध्यान रखा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। शुरू से हम कहते आए ये दिस इज अ पीपल्स वॉर, ये हमारी लड़ाई है, ना केवल सरकार की लड़ाई है। जी, तो हमें अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी होगी और एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर आप धूम्रपान करेंगे तो वो एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि आपको ना कि केवल कोरोना वायरस बाकी अन्य बहुत सारी रेस्पिरेटरी इलनेसेस से भी आपको ग्रसित करेगा। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप इस तरह का कोई भी जो 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 अच्छी आदतें नहीं है उनका आप पालन ना करें। शराब पीना या फिर धूम्रपान करना, इस तरह की सभी आदतों से आप बचें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। जी बिल्कुल। दिल्ली से पवन जी जुड़ गए हैं। पवन जी, कार्यक्रम में समय बहुत कम है, सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। सर जी, हम कहने का मतलब हम गायकी के काम करते हैं, गाने बजाने के काम करते हैं, तो सर जी हम अगर गाते हैं तो कैसे, अगर मंच पर गाना होगा या माइक पर गाना होगा तो क्या हम मास्क लगा करके माइक पर कैसे गा सकते हैं? डॉक्टर रूपाली, बहुत संक्षेप में, क्या मास्क लगाए बिना गाना सुरक्षित है या नहीं? बिल्कुल सुरक्षित है। अगर आपके आसपास अगर 2 मीटर के अंदर कोई लोग नहीं है तो आप बिल्कुल अपना मास्क हटा के आप गाना गा सकते हैं, बट आपको ये देखना होगा कि कुछ एक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर मेंटेन हो, जो आपके बाकी के लोग हैं वो कम से कम सब 2 हाथ की दूरी पे हो एक दूसरे से, तब आप बिना मास्क के भी ये गाना बजाना कर सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में अब समय नहीं है कि किसी और विषय पर आपसे चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के इस खास कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है आप सबसे बात करके, थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम। जैसा कि डॉक्टर रूपाली बता रही हैं कि इस समय जब तक वैक्सीन हम सबके लिए उपलब्ध नहीं हो जाती तब तक मास्क लगाना, सुरक्षित दूरी का पालन करना और अपने हाथ और मुंह को बार बार साफ करते रहना ही हम सबके पास एकमात्र विकल्प है खुद को संक्रमण से बचाए रखने का। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्कार। कोविड 19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी डॉक्टर रूपाली मलिक। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।